हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की परीक्षाएं होने जाने वाली हैं, एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अभी डेट शीट की आई है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते यार, ना चैनल को सब्सक्राइब करते, इससे हौसला नहीं मिलता है। हम फिर भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं इधर उधर ढूंढ के कि कोई कैरियर से रिलेटेड न्यूज़ आई है या नहीं, जिसे हम तुरंत आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दे यार, इसमें इतना कुछ मेहनत नहीं लगती है आई थिंक। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की परीक्षाएँ 15 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीजी के 10 कोर्सों को, 10 जो कोर्सेज है को, उनके जो रेगुलर और री अपीयर परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं सरकार और यूजीसी की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक होंगी। परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 43 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इनमें करीब 60,000 यानी कि 60,000 परीक्षार्थी स्टूडेंट्स परीक्षाएं देंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे एस नेगी की ओर से जारी शेड्यूल में एमए इतिहास, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, हिंदी, लोक प्रशासन, संस्कृति, समाजशास्त्र, एमए, एमएससी मैथ, एमकॉम, इंग्लिश, राजनीति शास्त्र की डेट शीट जारी की गई है। डेट शीट जो है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। अगर हम यह डेट शीट के बारे में चर्चा करेंगे तो 10 कोर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और वीडियो बहुत बोरिंग बन जाएगी। इसलिए आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश hpuni.account.in पे जाकर वेब अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं आराम से। अपने ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे लिखिए HP यूनिवर्सिटी डेट शीट, आपके पास लिंक टॉप पर ही आ जाएंगे। तो शेष बचे PG साइंस प्रोफेशनल कोर्स और डिप्लोमा कोर्स का शेड्यूल भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस टाइम जो कोरोना काल में होने जा रही परीक्षा में परीक्षार्थियों को घर के नज़दीक बने परीक्षा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है, ताकि वो इस टाइम अपने ही जो आसपास के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर कर सके। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने के लिए केवल एक बार ही मौका दिया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी कर दिया गया है, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा कर पूरी जानकारी देकर अपना जो होम एग्जामिनेशन सेंटर है वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मैंने बता दिया कि डेट शीट आपने कैसे चेक करनी है। बहुत से लोग सोचे हैं कि डेट शीट तो बताई नहीं है, तो मैं बता दूं कि अगर डेट शीट बताने लग गया तो आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो सिलेक्टेड एग्जाम्स की डेट देखनी है, लेकिन मुझे फिर सारी वो बतानी पड़ेगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम की डेट कब की है, किस सेशन में है और क्या एग्जामिनेशन सेंटर है, सभी डिटेल आप वहां से हासिल कर सकते हैं। आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाकर डेट शीट ढूंढना और रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सरकारी रिजल्ट एंड एग्ज़ाम्स को ज़रूर लाइक करें इसको और सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में हम आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपके कैरियर से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी न्यूज़ आपके लिए सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें।